हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में अपने इंटीग्रेशन की पॉइंट क्वेश्चन की सीरीज का क्वेश्चन नंबर 8 लेकर के आए हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से इसको हमें करना है। इसमें भी जैसा कि प्रीवियस वीडियो भी आप लोगों ने देखा था, उसमें जो है हम लोगों ने प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन किया था और आंशिक भिन्नों में तोड़ करके समाकलन किया था। तो ये वाला समाकलन जो यहाँ पे करने चल रहे हैं, ये वाला समाकलन भी जो है उसी प्रोसेस के द्वारा होने वाला है। पहले हम लोग log x को, पहले मैं एक बार थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इस क्वेश्चन को आपको करना कैसे है। पहले हम log x की जगह पे t प्रतिस्थापित कर लेंगे, जिसकी सहायता से जब इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/x आ जाएगा। तो 1/x dx dt हो जाएगा और यहाँ पर आएगा 1/t-1 into t+1। फिर इसको मानसिक भिन्न में तोड़ करके इसको बहुत ही इजिली इंटीग्रेट कर लेंगे। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है इसमें भाई, log x इज इक्वल टू t रखने पर, जब हम log x इज इक्वल टू t रखेंगे तो हमें मिलेगा क्या। पहले आप इसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो डिफ्रेंशिएट करने पर आपको मिलेगा 1/x dx इज इक्वल टू dt। तो ये dx बाई x जो है वो मेरा dt हो गया और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, नाउ वी गेट, हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा इंटीग्रल ऑफ 1/log x माइनस का 1 इंटू में log x प्लस 1 जो dx था ये मुझे मिलेगा, dx अपान x जो था ये मुझे मिलेगा कितना, इंटीग्रल ऑफ 1/log x, यहाँ पे कितना रख दोगे t, तो यहाँ आएगा मेरा t माइनस 1 इंटू में t प्लस का कितना भैया 1 मिल जाएगा और dx अपान x की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, dt हो जाएगी। अब आप क्या करिए, इसको आप सिंपल सा भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में आपने किया था वैसे ही कर लीजिए। अब हमारा काम क्या है, इसको मैं आंशिक भिन्न में तोड़ूंगा। तो आइए आंशिक भिन्न में तोड़ते हैं और यहाँ मानते हैं, लेट करते हैं। कैसे मानेंगे हम, 1/t-1 इंटू टी प्लस 1 को आप लेट करोगे, ए अपान टी माइनस का 1 प्लस बी अपान टी प्लस का 1। अब आप क्या करो, इसको सॉल्व करो जैसे आप सॉल्व करते हो, तो मिलेगा 1/t-1 इंटू में टी प्लस 1 इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो ए इंटू टी प्लस 1 आएगा प्लस बी इंटू टी माइनस में 1 आएगा अपान टी माइनस 1 इंटू में टी प्लस 1। ये भाई साहब नीचे वाले कैंसिल हो गए, आपको मिला क्या यहाँ से, आपको मिला है 1 इज इक्वल टू ए इंटू टी प्लस का 1 प्लस बी इंटू क्या मिला है भाई, p इंटू टी माइनस में 1, ये आपको मिला है। अब हम करते क्या है, एक बार t इक्वल टू प्लस 1 रखेंगे तो ये b वाला पद 0 हो जाएगा और एक बार t इक्वल टू माइनस 1 रखेंगे तो a वाला पद 0 हो जाएगा। तो चलिए t इक्वल टू प्लस 1 रख दीजिए, t इक्वल टू 1 रखने पर, तब t इक्वल टू आप 1 इसमें रखेंगे तो आप देख लीजिए 0 हो जा रहा है और यहाँ 1 1 2 हो जाएगा। मीन्स ये 1 इज इक्वल टू जो आपको मिलेगा यहाँ पर 2a मिलेगा। दिस इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू आप फाइंड कर चुके हैं 1/2, ये की वैल्यू हमें मिल गई। अब क्या करोगे, अब आप t इज इक्वल टू एक बार माइनस 1 रख दीजिए। जब t इज इक्वल टू आप माइनस 1 पुट करेंगे तो ये वाला पद जो है आपका 0 हो जाएगा और यहाँ 1 इज इक्वल टू यहाँ माइनस 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 2 हो जाएगा तो माइनस 2 भी मिलेगा। दिस इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू माइनस 1/t आपको मिलेगा। तो हमने देखा कि आपको a की वैल्यू मिल गई 1/2 और b की वैल्यू माइनस 1/2। अब ये सारी वैल्यूज आप ला करके यहाँ पे पुट कर दीजिए, जब यहाँ पुट करेंगे तो अब आपको क्या मिलेगा, अब आपको मिलेगा इंटीग्रल ऑफ 1/t-1 इंटू में टी प्लस 1 डी टी इज इक्वल टू, देखिए a की वैल्यू कितनी आई है भैया 1/2, 1/2 आप ला करके यहाँ पुट करिएगा तो आपको मिलेगा 1/2, इसको अलग कर लीजिएगा और मिलेगा 1/t-1 का डी टी। फिर b की वैल्यू कितनी मिली है हमें, -1/2 ये मिली है, ये रख देंगे यहाँ पर तो आपको मिलेगा -1/2 और 1/ का टी प्लस 1 और डी टी, सिंपल। अब इक्वेशन फर्स्ट में जो t-1 t+1 किसको लेट किया था ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए, आपका ओरिजिनल जिसका इंटीग्रेशन करना था वो मिल जाएगा। तो आप यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या मिलेगा 1/ में कितना आएगा भैया, log x-1 इंटू में log x+1 इंटू dx अपान का x, ये वैल्यू आपको जो मिली है वो इतनी मिली है।
अब 1 अपान टी माइनस 1 का इंटीग्रेशन लॉग मोड ऑफ टी माइनस 1 होगा, 1 बाई 2 पूरे में मैं कॉमन ले लेता हूं, तो यहां बचेगा मुझे कितना, लॉग मोड ऑफ टी माइनस 1 और माइनस में लॉग मोड ऑफ टी प्लस का 1। अब यहां पर आप लॉग एम माइनस लॉग एन अप्लाई कर दीजिए, तो आपको मिलेगा यहां पर 1 बाई 2 लॉग log mod of t minus 1 अपान में t plus 1 plus में c। अब t की वैल्यू हम पुट कर देते हैं इजली, t क्या है log x, वो वैल्यू आप पुट कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा इंटीग्रल ऑफ जो आपका था 1 अपान log x minus का 1 इंटू में log x plus का 1 इंटू dx अपान x की वैल्यू आप जो फाइंड करने वाले हैं वो कितना मिल गया आपको, 1 by 2 log mod of t मतलब कितना भाई, log x, तो हो जाएगा log x minus 1 अपान में log x plus का 1 plus c। This is your answer। मुझे पूरा विश्वास है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, आपको ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें।